हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे शामी कबाब। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है, तो चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हाफ किलो लिया है सीठे गोश्त का कीमा, चने की दाल लिया हाफ कप, 10 मिनट के लिए इसे पानी में फुलाकर वॉश कर लिया है। कीमा को भी अच्छी तरह से वॉश किया है। अदरक के टुकड़े को पीसेस में कट करके डालेंगे। नमक ऐड करेंगे हाफ टेबल स्पून। अब हम इसमें ऐड करेंगे सूखे मसाले, लाल मिर्च, 3 छोटी इलायची, 4 लौंग, 1 बड़ी इलायची, 15 से 20 काली मिर्च, 2 लेंगे तेजपत्ता, हाफ टेबल स्पून सहजीरा, 2 दालचीनी का टुकड़ा। सारे मसाले डाल देंगे। 8-10 लहसुन की कलियां लिए हैं। गिलास पानी डालकर इसे अच्छी तरह से गला लेंगे। गलाने के बाद अच्छी तरह से पीस लेंगे। तेज़पत्ता को हम निकाल लेंगे, अगर आप चाहें तो तेज़पत्ता भी पीस लें। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 अंडा। अंडा ऐड करके हम इसे पीस लेंगे अच्छी तरह से। अंडा ऐड करके हमने इसे अच्छी तरह से पीस लिया है। ऐड करेंगे प्याज, 3 प्याज को मैंने बारीक कट किया है, 4 हरी मिर्च को कट करके लिया है, हरा धनिया लिया है, थोड़ा सा नमक हम और ऐड कर देंगे। कप टेस्ट करके अपने हिसाब से डालें। अब हम इसका कबाब बना लेते हैं। कबाब को गोल शेप दे देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से कबाब बनाएंगे। सारे कबाब हम इसी तरह बना लेंगे। तेल को मैंने मीडियम फ्लेम पर रखा है। एक एक करके डालते जाएंगे इसमें। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं ये रेसिपी आपको कैसी लगी। मीडियम फ्लेम पर आप इसे फ्राई करें। मीडियम फ्लेम पर 5 से 6 मिनट लगे हैं इसे फ्राई करने में। तो तैयार है हमारा शामी कबाब। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुका है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना परफेक्ट बना है शामी कबाब। तो आप ज़रूर ट्राई करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। हमें याद रखें। अल्लाह हाफिज़।